मास्क लगा हुआ है, मास्क पहना है, प्रेग्नेंट लेडी है, कुछ मान के चलिए काट लिया इसने, कितनी सुनिश्चित में आपने देखा नहीं कितनी प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटीज में, थोड़ा सा सेंस है आपको? सिर्फ मास्क के लिए बोला और कुछ नहीं बोला, सिर्फ मास्क के लिए बोला। ऑब्वियसली ठीक है, ऑफ कोर्स ठीक है। जब कुत्ते काटते तो सीसीटीवी फुटेज चलते हैं ना न्यूज चैनल्स में, आप जैसे लोग चलाते हैं। हाँ ऑब्वियसली आप जैसे मैं चला हूं, भरी हुई है ना, आप जैसे लोग ही चलाते हैं। क्यों नहीं चलाते, कुत्ते बिल्कुल नहीं काटते, मास्क पहनाने के लिए बोला, सिर्फ किस तरह की लेडी है ये, आप छोड़ तुम्हारी बीवी का बैठा नहीं हो मैं। सच जानना बहुत जरूरी होता है और जो सच वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है वो असल सच नहीं है, वो बीच की एक क्लिप है, उसके आगे भी है और उसके पीछे भी है। हमारी सोसाइटी में डॉग्स को लेकर के नियम है और वो नियम इस तरह है कि अगर डॉग ओनर सोसाइटी लिफ्ट में के अंदर है तो कोई दूसरा व्यक्ति लिफ्ट के अंदर नहीं जाता, और अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति लिफ्ट के अंदर है तो डॉग ओनर उस लिफ्ट में नहीं जाएगा। और मैं इस नियम का अक्षरशः पालन करती हूँ। मैं ऋचा श्रीनेत हूँ, मेरे पास दो डॉग्स हैं, दो फीमेल डॉग्स हैं, मैं दोनों को बारी बारी से रोज शाम को घुमाती हूँ। कल भी इसी तरह मैं अपनी बच्ची को कालिंदी को घुमा करके वापस आ रही थी और काफी समय दो तीन बार लिफ्ट जा चुकी थी और तीसरी बार जब लिफ्ट आई और मैंने लिफ्ट में एंट्री की तो पीछे से ये अभिषेक और उनकी पत्नी धर्मपत्नी अंदर आने को हुए और उन्होंने मुझे देखा तो मैंने उन्हें कहा आप आ सकते हैं, ये कुछ करती नहीं है, कुछ नहीं करेगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि या तो आप बाहर निकलिए या इसे मजल पहनाइए। मैंने उन्हें फिर से कहा कि आप आ सकते हैं, ये कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने मुझे चीखा और उन्होंने मुझे कहा कि 50 रुपए का कुत्ता लेकर के आप लिफ्ट के अंदर हैं, 50 रुपए का कुत्ता और 200 रुपए की लीश, उन्होंने इस तरह से मुझे बोला। और मैं बहुत असहज हो गई जब उस वक्त में उसके तुरंत बाद उनकी वाइफ ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे गालियां दी, जाहिल, गवार और कुछ चीजें ऐसी मुझे बोली, ऐसी गालियां मुझे दी जो मैं नहीं बोल सकती हूँ, जो शायद मेरे जबान से कभी भी नहीं निकलेगा। लेकिन उन्होंने मुझे बोला और जो गार्ड का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है उसमें गार्ड ने भी वो गाली नहीं की है, उस गाली के नाम पे गार्ड भी दाएं बाएं झांकता है पर वो गाली नहीं बोलता है। तो आखिर ऐसी क्या बात थी जिसपे जो ये सभ्य और सुसंस्कृत लोग हैं इस तरह की गाली किसी औरत को दे रहे हैं? ये भी तो सच का हिस्सा है। बच्चा सिर्फ वो बच्चा है जो हम हैं, आप हैं या हमारे बच्चे हैं या ये बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं। क्या कोई पशु पक्षी उसको हम 2 टके का, 5 रुपए का, 50 रुपए का बोल सकते हैं? क्या ये ठीक है? और क्या इस घटना के बाद, इतना ट्रोल होने के बाद मुझे जानवरों से, किसी भी जीव से प्यार करना छोड़ देना चाहिए? मुझे डर जाना चाहिए? मतलब क्या हुआ, फिर मैं गया तो कह रहा था मास्क लगाओ, फिर जो है मैम कह रहा था आपको कोई दिक्कत है तो आप बाहर चले जाइए, ये हम पकड़ रखे हैं, ठीक है? तो बोले नहीं लगाओ, फिर जो है दोनों मैम तो हो गया, फिर वो लिफ्ट पकड़ के खड़े हो गए सर ने। क्या उन्होंने गाली गलौज की? गाली गलौज जो है, गाली गलौज क्या, दोनों तरफ से हुआ, दोनों तरफ से हुआ। वो भी बोले 50 रुपया कुत्ता लेके जो है मतलब वो दिखाती हो, तो उसी पे मैम भी बोले सर, तो ये भी बोले जो जाहिल नहीं बोला, जाहिल गवार, और क्या बोला, क्या बोला आप नहीं बोल पा रहे हो ना, तो जाहिल गवार के अलावा जो बोला आप नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है? लेकिन छोड़िए अभी बात, ठीक है? आपने कहा कि मैंने भी रेस्पॉन्ड किया गाली में, लेकिन उसने जाहिल गवार और दूसरा तीसरा क्या बोला जो आप नहीं बोल पा रहे हैं? बोला ना, नहीं छोड़ तो आपस में, वो तो कह रहे ना चौकी गए थे मैम ने, आए भी तो कह रहे नहीं हमको इस लफड़ा में नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, वो तो पीड़ित है ना, उनको तो बहुत परेशानी हुई है। उन्होंने जब ये मैम जा रही थी तब उन्होंने क्या उनसे क्या बोला कि 50 रुपए का कुत्ता लेकर के, क्या बोले कि पूरा एग्जैक्ट वर्ड बता दें? हाँ तो ये तो बोले क्या जो 50 रुपए डॉगी लेकर घुस गए हैं और बहसबाजी कर रही है, ये तो बोले थे आपसे? और क्या बोले, जाहिर की क्या बोले, नहीं बोले तो फिर जो है मैम करिए जो तुम्हारी बीवी से अच्छी है, क्या बोले थी? जाहिल गवार जब कहा तब कहा मैंने कि तुम्हारी बीवी से तो अच्छी हूँ, अच्छी इंसान हूँ मैं तुम्हारी बीवी से, तो कम से कम किसी, हाँ अगर जीव है तो सब जीव है ना, 50 रुपए का जीव क्या होता है, हाँ 50 रुपए का कुत्ता क्या होता है? बढ़ने लगा तो ये वो भी गाली दी है मैम, बाद में फिर मैम उसको मैं बाहर निकाल लिया। अच्छा अगर रूल रेगुलेशन की बात करें तो रूल रेगुलेशन की बात ये है, अगर डॉगी आप पहले चले गए तो उसमें दूसरे को नहीं जाना चाहिए, तो ये किया हुआ है, और अगर अंदर कोई है तो डॉग उसमें नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले हाँ मैम अंदर गई थी,
तो गलती किसकी है, उनको जाना चाहिए था, वो जबरदस्ती कर रहे जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन पहले आप ही अंदर गए थे डॉग लेकर, ये जायज की बात है, ये गलत मैं नहीं बोलूंगा, तो सकता ये रिकॉर्डिंग कैमरा है, कैमरा अपना अच्छे